अगर आप चाहते हैं आपका एक ही यूएसबी प्रिंटर 10 अलग अलग कंप्यूटर से कनेक्ट करना और उस प्रिंटर से प्रिंट निकालना, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया दोस्तों, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है और ऊपर आई बटन है उस पर भी लिंक है। लेकिन आज के वीडियो में कुछ अलग है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं आपके लैन में जितने भी कंप्यूटर है, लैन से मेरा मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क तो पता ही होगा दोस्तों, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि एक ही ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर आपके एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है या एक स्विच से कनेक्टेड है, तो उन सारे कंप्यूटर्स को आप एक दूसरे के साथ रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी कंप्यूटर पर बैठ के दूसरे कंप्यूटर का स्क्रीन एक्सेस करना चाहते हैं, तो बिना किसी सॉफ्टवेयर का अगर जानना चाहते हैं तो ये बताने वाला हूं दोस्तों। साथ ही में मैं आपको बताऊं कि इन कंप्यूटर के बीच में आप कागजात की लेनदेन भी कैसे कर सकते हैं। कागजात की लेनदेन, ये काफी शुद्ध हिंदी बोल दिया मैंने दोस्तों, इतनी तो हिंदी मेरी शुद्ध है नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं हिंदी इंप्रूवमेंट करने की। मेरी हिंदी कैसी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, लेकिन लेट्स सीड्स तो बोला है, आई मीन कम टू द पॉइंट ये है कि हम एक ही ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड है वो उनकी फाइल एक दूसरे के साथ बिना किसी सॉफ्टवेयर के शेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर एक फाइल को लेने के लिए आप उठ के एक एक कंप्यूटर पे जाओगे, फिर पेन ड्राइव लगाओगे, कॉपी करोगे, फिर इधर जाके पेस्ट करोगे, ये सब करना नहीं है। बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप फाइल को किस तरह से शेयर करना है ये आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करके शुरू करते हैं ये वीडियो खास। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmorepro.com, जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसे विजिट करने के बाद जब आप कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज दिखाई देंगे, जो कि कम फीस में डिटेल कोर्सेज एक्सप्लेनेशन के साथ है विथ सर्टिफिकेट के साथ। ये कोर्सेज आपके लिए लाइफ टाइम है अगर आप खरीदते हो तो, और वीडियोज डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ढेर सारी चीज़ें इन कोर्सेज में आपको मिलने वाली, जैसे प्रैक्टिस फाइल मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, कुछ कोर्सेज के नोट्स भी अवेलेबल है वो भी आपको मिलने वाले, कुछ कोर्सेज के प्रैक्टिस फाइल है और टेस्ट अटेंड करने मिलेगी, और कोर्स की टेस्ट अगर आप पास होते हो तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हाँ, आपको 10 अटेम्प्ट एक एक टेस्ट में, तो इतनी सारी चीज़ें एक ही वेबसाइट पे आपको एक ही जगह पे और कम रेट में मिलने वाली है दोस्तों। तो learnmorepro.com डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, या गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं learnmorepro.com, सर्च कीजिए और ज़रूर वेबसाइट को विजिट करके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर इनरोल कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, अगर आप एक हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करना चाहते हैं, मतलब आपके ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उसमें कोई एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, या फिर कोई जैसे कि फाइल शेयर करनी रहती है, तो ऐसे समय में आपको हर एक कंप्यूटर में जाकर पेन ड्राइव से फाइल लगाओ, या फिर वो हर एक कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर ले लो और उसके बाद उसे इंस्टॉल करो, इसमें आपका बहुत टाइम भी जाता है और साथ ही में आपकी एनर्जी भी जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको करना है आपके ऑफिस में टाइम सेव और आपकी एनर्जी भी सेव करनी है और थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, तो आपको करना क्या होगा, कुछ सेटिंग्स करनी होगी, जो सेटिंग्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हो क्या है सेटिंग्स जिसके जरिए आप अपने कंप्यूटर्स को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही में एक ही कंप्यूटर पर बैठ के सारे कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, और वो कैसे करना है उसके लिए सेटिंग्स तो बता रहा हूं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो नेटवर्क का आइकॉन मिलता है राइट कॉर्नर में विंडोज पे, उस पर क्लिक करना है, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाना है। नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाने के बाद एक विंडो आएगी स्क्रीन के अंदर, इस विंडो के अंदर आपको एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स ये ऑप्शंस मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने पर आगे आने वाले स्क्रीन पे आपको मिलेगा नेटवर्क डिस्कवरी ऑप्शंस और फाइल एंड शेयरिंग ऑप्शंस, पब्लिक फोल्डर शेयरिंग, ये सभी ऑप्शंस में आपको टर्न ऑन करके रख देना है। मतलब सभी ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं इसमें टर्न ऑन ऑप्शंस पे क्लिक करके इसे अप्लाई और ओके कर देना होगा दोस्तों। अगर ये सेटिंग्स आप कर लेते हो तो आपके कंप्यूटर का शेयरिंग सेटिंग्स ऑन हो जाता है दोस्तों, और ये सारी सेटिंग्स आपको रिमोट एक्सेस करने के लिए और साथ ही में फाइल शेयरिंग करने के लिए भी यूज होने वाली है दोस्तों। अब जानते हैं दूसरी सेटिंग के बारे में। तो दूसरी सेटिंग्स के लिए आपके कंप्यूटर पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर आइकॉन दिखाई दे रहा है, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज के बाद एक विंडो आएगी, उसके अंदर विंडो के अंदर आपको पहले पीसी का नाम यानी कंप्यूटर नेम दिखाई देगा। कंप्यूटर नेम नोट डाउन कीजिए आप वहां पे, लेकिन मेरे कंप्यूटर में तो यूजर फ्रेंडली नाम रखा है मैंने, जैसे PC2-PC, PC1-PC, ऐसे मैंने नाम रखे सभी पीसी के लिए, तो इस तरह से मुझे नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके कंप्यूटर में यही नाम हो, आपके कंप्यूटर में वहां पे अगर आपने चेंज नहीं किया तो डिफॉल्ट नेम रहेगा, जैसे कि डेस्कटॉप 0015 ऐसा कुछ रहेगा। तो ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली नेम नहीं है, इसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे जो कंप्यूटर नेम है दिया हुआ, जैसे मैंने मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे कस्टमाइज किया, तो आप भी चेंज सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। चेंज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद चेंज बटन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर नेम जो ऑप्शन दिख रहा है वहां पे आपको कंप्यूटर नेम बदल देना है, और आप अप्लाई करोगे, ओके करोगे, तो ये कंप्यूटर एक बार रिस्टार्ट होगा। जैसे आप कंप्यूटर नेम बदल दोगे तो कंप्यूटर एक बार रिस्टार्ट होने वाला है।
इस तरह से कंप्यूटर का नाम आपको बदल देना है। सभी कंप्यूटर्स में आप सिक्वेंशियल नेम रखोगे तो भी चलेगा, PC 1, 2, 3, 4। इस तरह से पीसी को आप लेबलिंग करोगे तो इजीली आप पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क में एक्सेस करते समय आपको याद रहेगा कि पीसी 1 मैंने एक्सेस किया, पीसी 1 ये है, पीसी 2 ये है, तो लेबलिंग कर लीजिए। इस तरह से लेबलिंग करने के बाद और एक सेटिंग्स में उसी स्क्रीन पे वापिस चले जाते हैं हम लोग, जहां पे मैं अभी गया था कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अब इसमें करना क्या है, स्क्रीन में ऊपर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है रिमोट सेटिंग्स। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अलाउ कनेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर्स रनिंग एनी वर्जन ऑफ रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करना होगा दोस्तों। ये ऑप्शन चेक करना होगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन पे चेक करके आप अप्लाई और ओके करोगे। इससे होगा क्या, जितने भी कंप्यूटर्स आपके रिमोटली कनेक्टेड है वो एक दूसरे से एक्सेस होने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएंगे और सभी कंप्यूटर्स पे ये सेटिंग्स आपको कर लेनी है। तो ये सेटिंग्स कंप्लीट होने के बाद आपके कंप्यूटर का लॉगिन नेम आपको नोट डाउन करना है और सभी कंप्यूटर का लॉगिन नेम जो रहता है, लॉगिन नेम और पासवर्ड, पासवर्ड तो आप सिमिलर रख सकते हैं जैसे 123 वगैरह कुछ भी, लेकिन सभी कंप्यूटर का लॉगिन नेम आपको रखना है सिक्वेंशियल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर नेम आपको चेंज करना है, तो कंप्यूटर नेम अलग होगा और लॉगिन नेम दोनों मैच नहीं होनी चाहिए। तो लॉगिन नेम जैसे यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में आपको दिखाई दे रहा है मैंने PC 1 PC 2 ही रखा है और कंप्यूटर नेम में मैंने थोड़ा सा अलग रखा है PC 1-PC, इस तरह से रखा है PC 1-PC, PC 2-PC, PC 3-PC, इस तरह से कंप्यूटर नेम में मैंने रखा है। तो आप जो चाहिए वो रख सकते हैं, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है कि लॉगिन नेम और कंप्यूटर नेम ये सिमिलर नहीं रहना चाहिए और एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है उसमें वो नेम रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो एक कंप्यूटर को लॉगिन नेम और कंप्यूटर नेम सेपरेटली असाइन कर लो। असाइन करने के बाद लॉगिन नेम और पासवर्ड तो आपको पता है। अब करना क्या है, यहाँ पे आपका ये सेटिंग्स कंप्लीट हो चुका है। अब आप रिमोटली किसी भी कंप्यूटर से अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली आप जिस कंप्यूटर पे बैठ रहे हो उस कंप्यूटर में स्टार्ट में रन कमांड में चले जाइए। रन कमांड में आपको टाइप करना है यहाँ पे MS TSC, जी हाँ MS TSC। अगर आप टाइप करते हो और एंटर बटन प्रेस करते हो तो एक स्क्रीन आपके सामने आएगी, उस स्क्रीन का नाम है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। जी हाँ, तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में यहाँ पे कंप्यूटर नेम पूछा गया है, तो कंप्यूटर नेम कौन सा टाइप करना है, जो मैंने बोला था प्रॉपर्टीज में आता है वो कंप्यूटर नेम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे PC 1-PC मैंने रखा है तो PC 1-PC करिए, PC 2-PC, PC 3-PC, जो भी PC को आप एक्सेस करना चाहते हैं नेटवर्क के, उस PC का नाम यहाँ पे आप टाइप करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप इस PC का नाम टाइप करने के बाद कनेक्ट बटन पे क्लिक कीजिए। कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन नेम और पासवर्ड टाइप करना होगा। तो इस PC का लॉगिन नेम और पासवर्ड मैं टाइप कर रहा हूँ और लॉगिन नेम और पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है, इसे मैं यस कर देता हूँ रिमोटली एक्सेस करने के लिए। और जैसे ही मैं इसे यस कर देता हूँ आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, जो PC मैं एक्सेस कर रहा हूँ उसकी स्क्रीन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों। और जैसे मैं इसे एक्सेस करूंगा वो PC पे जो भी कैंडिडेट बैठा है, जो भी आपका कलीग बैठा है, उसका स्क्रीन लॉग ऑफ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो वहाँ पे उसे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप पूरा एक्सेस करके यहाँ पे आप रिमोटली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, फाइल्स को देख सकते हैं, बाकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे कर सकते हैं और एक हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप इसमें काम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर उस PC पे जो भी क्लाइंट बैठा है उसने अगर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया तो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा क्योंकि आप लॉग आउट हो जाओगे, और जो कि आप लॉग आउट हो जाओगे तो आपका रिमोटली सेशन एंड होने वाला है। तो यहाँ पे फिर से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं वही प्रोसेस करके जो मैंने बताई है, और ये सिंपली प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको रिमोटली कंप्यूटर एक्सेस इजिली होने वाला है। तो रिमोटली कैसे एक्सेस करना है ये बिना सॉफ्टवेयर से समझ में आएगा। ये एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की यूटिलिटीज है दोस्तों, शायद आपको पता नहीं इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की और आपको बढ़िया लगी होगी और इसके लिए आपने एक लाइक तो दिया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आगे की सेटिंग्स भी सुनिए। तो आगे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको करना है फाइल शेयर तो आपको सपोज सिंपली माय कंप्यूटर में जाना है, यहाँ पे ये ड्राइव मुझे पूरा शेयर करना है नेटवर्क में, तो मैं करूंगा क्या, इस ड्राइव पे राइट क्लिक करूंगा और शेयर में जाकर शेयर विद में यहाँ पे मैं एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करूंगा। फिर एडवांस शेयरिंग बटन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद शेयर दिस फोल्डर ये ऑप्शंस पे आपको चेक करना होगा। शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक करने के बाद नीचे परमिशन ऑप्शंस पे भी क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं परमिशंस, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, आप फुल कंट्रोल देना चाहते हैं, यानी कि सामने वाला जिसके साथ फाइल शेयर करी वो फाइल रीड भी करे, राइट भी करे, यानी कि डिलीट भी करे वगैरह एक्सेस देना है, तो आपके ऊपर है। आप रीड रखोगे तो डिलीट वगैरह नहीं कर सकता है, बस ओपन कर सकता है आपकी फाइल्स को। तो रीड राइट और जो भी परमिशंस देना है फुल कंट्रोल में देता हूं और अप्लाई और ओके कर देता हूं। अब ये मैंने फाइल इस कंप्यूटर की शेयर की है, तो दूसरे कंप्यूटर से अगर एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं करूंगा क्या, मैं सिंपली किसी भी कंप्यूटर में जाकर यहां पे रन के अंदर उस कंप्यूटर का डबल स्लैश करके नाम लिख दूंगा। जो कंप्यूटर नेम है वो आपको लिखना है, ध्यान में रखिए दोस्तों कंप्यूटर नेम जो प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था। तो आपको करना क्या है, डबल स्लैश करके डबल स्लैश देना है, फिर कंप्यूटर का नाम देना है। कंप्यूटर का नाम
टाइप करने के बाद एंटर करना है, एंटर करने के बाद फिर लॉगिन नेम और पासवर्ड पूछा जा सकता है। अगर आपने पहले से एक्सेस किया लॉगिन नेम पासवर्ड डाल के तो दोबारा नहीं पूछेगा आपको और डायरेक्टली वो शेयर फोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं, रिमोटली कोई भी पीसी एक्सेस कर सकते हैं और वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर का। और हमारे वेबसाइट पे कोर्सेज सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं ढेर सारे कोर्सेज की ऑफर चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई कोर्सेज इनरोल करने के लिए तो जरूर इनरोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कम फीस में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले। टैली ईआरपी 9 का फुल कोर्स चल रहा है, एमएस ऑफिस का फुल कोर्स है, माइस इन एक्सेल का भी फुल कोर्स है जिसमें एक्सेल के अंदर अलग अलग इंटरेस्टिंग डैशबोर्ड बनाना सिखाया जा रहा है। तो क्यों ना आप इसका पार्ट बने जल्दी से जल्दी, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इनरोल किया है। और एडवांस एक्सेल का एक ज़बरदस्त कोर्स है जो कि आपको ज़रूर इनरोल करना चाहिए। कहाँ गया ये रहा, एक्सेल बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर पॉइंट का फ्री कोर्स है, जल्दी से जाके इनरोल ज़रूर कीजिए। तो ये मेरी वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया, मेरे जितने भी चैनल्स हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, मेरे इसके अलावा 5 और चैनल है, जाकर आप विजिट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और इस वेबसाइट की और जानकारी चाहिए तो सपोर्ट पेज पर जाकर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर कोर्सेज जो अवेलेबल है उससे रिलेटेड जितनी ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के अंदर। बाय बाय गाइज़।